हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जेएम। बात करेंगे डब्ल्यूटीसी फाइनल की। डब्ल्यूटीसी फाइनल में जहां पर एक चीज या फिर कहें एक स्पॉट को लेकर सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस बना हुआ है, वो है विकेट कीपर कौन होगा इंडिया का डब्ल्यूटीसी फाइनल में। क्या वो केएस भारत होंगे या ईशान किशन होंगे, इस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और अब इसी में एक और नाम जुड़ गया, जहां पर नाम आया सुनील गावस्कर का। सुनील गावस्कर ने अपनी पूरी 11 बताई है कि उनकी प्लेइंग 11 क्या होगी, बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इंडिया की डब्ल्यूटीसी फाइनल में। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि वहां पर शुभमन गिल, रोहित शर्मा उनके दो ओपनर्स होंगे, 3 नंबर बैटिंग करेंगे कोहली, 4 पे पुजारा, 5 पे नजर आएंगे आपको रहाणे। लेकिन नंबर 4 का स्पॉट है वो सोच रहे हैं ईशान किशन को खिलाऊं या केएस भरत को, तो वो गए केएस भरत के साथ। उन्होंने कहा है जडेजा जरूर खेलेंगे अगर धूप निकलती है, अगर बहुत ज़्यादा ओवरकास्ट कंडीशन नहीं होती है तब जडेजा खेलेंगे, अगर वैसा होता है तब जडेजा नहीं खेलेंगे, तब आप किसी और को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने शार्दुल, शमी, सिराज इन प्लेयरों को रखा है अपनी प्लेइंग 11 में, यानी उमेश यादव को बाहर छोड़ा है और अश्विन जडेजा उन दोनों को प्लेयर के साथ गए हैं सुनील गावस्कर। तो ये थी उनकी प्लेइंग 11। आप बताइए आपको क्या लगता है डब्ल्यूटीसी की प्लेइंग 11 में कौन हो सकता है, क्या केएस भरत ही खेलने हैं या फिर ईशान किशन खेलने चाहिए? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके कौन लेगा विकेट कीपिंग की जगह।